वालेकुम नाजरीन क्या हाल है आई होप्स आप सब ठीक होंगे आज हम आपको दिखाएंगे रोगनी नान रेसिपी लेकिन ये मेरी रेसिपी नहीं है मेरी बेटी की रेसिपी है मैं आपको अब इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो हमें ज़रूरत है रोगनी नान के लिए ये हमारे पास वन एंड हाफ़ किलो मैदा है वन एंड हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास बेकिंग सोडा है जो हमने मिक्स करके रखा है हमारे पास वन एंड हाफ़ लीटर पानी है लेकिन ये ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म पानी और ये हमारे पास तीन अंडे हैं एक टेबल स्पून हमारे पास चीनी और सेवन ग्राम यीस्ट है हमारे पास वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक दो टेबल स्पून तिल ब्राउन तिल है हमारे पास एक कप दही हाफ कप घी है हमारे पास ये अब हमने नीम गर्म पानी डाला यीस्ट में और चीनी में नीम गर्म पानी डाल के थोड़ा सा रखेंगे थोड़ी देर इसको फूलने के लिए ताकि ये आपको पता भी इस वे आपको पता चल जाता है कि यीस्ट पुरानी भी नहीं है जब ये ज़रा फूल जाएगी फिर हम इसे अपने आटे में डालेंगे अच्छी तरीके से सारे लंप निकालने हैं आपने ये देखें नाजरीन हमारे यीस्ट को दस मिनट हो गए हैं देखो कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है ये अब देखें जरा मैं देखो अब आपने जो मिक्स करना है ये जो सोडा और बेकिंग पाउडर डाला हुआ है इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना ये तेल आपने डालना अच्छी तरीके से मिक्स करें इसे इस तरह हो जाए जैसे वो ब्रेड क्रम होते हैं अब इसमें दही डालें अंडे आपने फेंट लेने हैं अच्छी तरह से फेंट कर अब आप डालें लेकिन आपने इसी कप में आपने दूध डाल के रखना है मिक्स करके जो आप जब आप नान बनाएंगे उसके ऊपर आपने लगाने के लिए दो टेबलस्पून हमने डाली है दूध अब अपने नमक डालना यीस्ट ये पानी हमारे पास वन एंड हाफ लीटर लेकिन ये सब नहीं जाएगा जितना हमें ज़रूरत होगा उतना हमने डालना है क्योंकि डिफरेंट मैदे जो डिफरेंट पानी लेते हैं तो आपने बस जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह गूंदना है लेकिन अपने अंदाजे से पानी डालना है आपने अच्छी तरीके से आटा गूंदना है जब बिल्कुल मुलायम हो जाए डो तो फिर आपने कम से कम छः घंटे के लिए उसे फूलने के लिए रखना है जितना आप ज़्यादा अरसा देंगे उसको फूलने के लिए उतना उसके फ्लेवर अच्छे आएंगे जितना आटा नरम होगा उतने ना नाम नान जो उनसे वो नरम बनेंगे नाजरीन मैं भी सीख रही हूँ मुझे नान मैं बना लेती हूँ लेकिन अपनी बेटी जैसे अच्छे नहीं बना सकती माशाल्लाह कम से कम दस मिनट आप, आपने देना टाइम्स को गूँदने के लिए नाजरीन देखें अब हमारा डो जो है गूँधा गया सॉफ्ट और स्मूद ये ज, देखें ज, इसका ये बाउंस अप कर रहा है आटा इसका मतलब ये अच्छी तरीके से गूँधा गया है अब हमने आखिर में थोड़ा सा तेल लेके बॉल में भी लगाना है और आटे पर भी लगाना ताकि चिपके ना जब वो फूले और इसे हमने कम से कम छः घंटे के लिए रखना है छः घंटे बाद जब वो फूलेगा तो हम जो अपने नान बनाने शुरू करेंगे अब इसे आपको अच्छी तरीके से कवर करके रखना नाजरीन पूरे छः घंटे बाद ये देखें हमारा आटा कितना फूल चुका है ये देखें अब इसे अच्छी तरीके से आपने पंच करके हवा सारी निकालनी है देखिए कितना नरम और मुलायम है आटा ऐसा ही आटा आपको चाहिए आपको जितने बड़े चाहिए आप उतने पेड़े काट लें सम टाइम जो है कोई छोटा बन जाता है कोई बड़ा बन जाता है अगर आपको सब एक बराबर चाहिए आप स्केल रख के उसका वजन कर लें हम लोग साथ थोड़ा सा आपने डस्ट करना है मैदा और हम लोग साथ, साथ रोल आउट करके साथ साथ ही बना रहे हैं आपको ज़रूरत नहीं कि पेड़ बना कर रखने की हम ये नान जितने भी हैं हाफ सेंटीमीटर उनकी थिकनेस रखेंगे क्योंकि फूले का भी और ज़्यादा मोटा हो जाएगा हमने नान अपना तवे पर डालकर अपने उंगलियों की मदद से थोड़े थोड़े सुराख कर लिए हैं इसमें अब हमने दूध जो बना कर रखा है दूध ब्रश की मदद से लगाना है अब इसमें हमने तिल छिड़क लेने हैं गैस हम, हमारा जो दरमियाना है ज़्यादा हाई पर भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है अब ये देखा फूल रहा है थोड़ा थोड़ा फूल रहा है जब एक साइड से अच्छी तरीके से सिक जाएगा तो हमने ट्रांसफर करना है दूसरे बर्तन में ताकि हम ग्रिल कर सकें अब ये देखें हो गया थोड़ा हो गया ये देखें अब हमने ग्रिल करना अपना नान एक साइड पे हमने तवे पर किया एक साइड पे हमने ग्रिल करना ये हमने अपने ग्रिल में डाला है बस उस वक्त तक हमने ग्रिल करना है जब तक ये ऊपर से रंग आ जाए नाजरीन जब तक ये ग्रिल हो रहा है हम नेक्स्ट वाला रेडी करते हैं दूसरा नान हमारा नान तैयार है नाजरीन देखें अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे ऊपर ये डिपेंड है ये हमें दो तीन मिनट लगे हैं इस रंग में पिंक रंग में लाने के लिए लेकिन डिपेंड है आपके ग्रिल कितनी जल्दी जो है वो सुरख करती है नान को ये देखें अब हम इसे करें माशाल्लाह कितना अच्छा नान वेरी नाइस ये पहला हमारा नान है माशा बिसमिल्ल वेरी नाइस नाजरीन देखें अब हमारे नान बनके तैयार हो गए हैं हमने वन एंड हाफ़ किलो मैदे से अठारह नान बनाए हैं लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने ठीक रखने, है आप रखने हैं नान आप पंद्रह अगर ठीक रखने पंद्रह बन जाएंगे वरना बीस आसानी से बन जाएंगे आई होप नाजरीन आप ज़रूर ये मेरे नान की रेसिपी लाइक करेंगी और अगर लाइक किया तो शेयर भी करेंगी और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिदान में रखे अल्लाह हाफिज़